रुक करते हैं इस वक्त की एक और अहम खबर की ओर। चंद्रमा के और करीब पहुंच चुका है चंद्रयान 2। दोपहर 1:15 बजे आज ऑर्बिटर से लैंडर विक्रम अलग हुआ। इसरो ने इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि 7 सितंबर को चंद्रयान 2 चांद पर उतरेगा। ये सांकेतिक तस्वीर है हिंदुस्तान की उस सफलतम गाथाओं में से एक गाथा की, जिसकी तस्वीरें बेहद खास होंगी 7 सितंबर को। दरअसल में अगले 2 दिन अपनी कक्षा को छोटा करता जाएगा लैंडर। आगे क्या कुछ काम करेगा वो हम आपको बता रहे हैं। 36 किलोमीटर दूर की कक्षा में पहुंचकर चक्कर लगाएगा। ये आगे की प्रक्रिया है, थोड़ी जटिल है लेकिन समझना बेहद जरूरी है। 3 सितंबर को यानी कि कल इसरो लैंडर के साथ टेस्ट करेगा। वहीं लैंडर को रोककर 3 सेकंड के लिए उल्टी दिशा में चलाकर परखा जाएगा कि सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, और फिर लैंडर को उसकी कक्षा में आगे बढ़ाया जाएगा अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। इसके बाद अगले दिन यानी 4 सितंबर को लैंडर की कक्षा में आखिरी बार बदलाव किया जाएगा और 6 से 7 सितंबर के बीच रात को चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। 1:40 पर लगभग ये प्रक्रिया होगी और 1:55 पर लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर उतर जाएगा। साउथ पोल क्यों चुना है इसकी वजह बेहद खास है। आपको बता दें कि क्रेटर मैजिनस सी और सिप्लियंस एन के बीच उतरेगा चंद्रयान 2 जो चांद का हिस्सा है। लैंडिंग के 2 घंटे बाद लैंडर से रैंप बाहर निकलेगा यानी लंबा इंतजार भी यहां पर करना होगा। सीधा मतलब ये कि सुबह 5:05 पर रोवर के सोलर पैनल खुलेंगे। 7 सितंबर को सुबह 5:10 पर रोवर चलना शुरू करेगा, कुछ इसी तरीके से जैसा इस वक्त आप देख रहे हैं, और सुबह 5:55 पर रोवर चंद्रमा पर उतर जाएगा। तो ये वो पूरी प्रक्रिया है जिसके तहत चंद्रयान 2 का अभी आगे का काम बचा हुआ है। यानी अगले 5 दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है चंद्रयान 2 की कामयाबी के लिहाज से। आपको बता दें कि आज क्या हुआ। आज दोपहर 1:16 पर यानी 1:15 लगभग ऑर्बिटर से लैंडर अलग हुआ। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा रोवर प्रज्ञान। जो जानकारी इसरो की तरफ से दी जा रही है उसके मुताबिक लैंडर से रोवर को अलग किया जाएगा।